हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हार्मोन जो है वो किन से सीक्रेट होते हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे सीक्रेट होते हैं. ओके, अब हम क्या करेंगे, वो हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं तो हमने कहा था कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ टाइम के लिए ही वो सीक्रेट होते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं. दैट मीन्स जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उनका क्या हो जाता है, सीक्रेशन किया जाता है. अब देखो, कंटिन्यूअसली सीक्रेशन तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि हार्मोन जो है कंटिन्यूअसली सीक्रेट होंगे, तो फिर उसके लिए जो है फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, एप्लीकेबल होता है. दैट मीन्स यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हार्मोन के सीक्रेशन का जो है फीडबैक मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं. और इस मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब क्या होगा, सपोज दैट हार्मोन का जो लेवल है, अगर कंटिन्यूअसली हार्मोन सीक्रेट होते रहेंगे तो उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में. तो अगर हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया तो फिर उसके भी तो रिजल्ट देखने को मिलते हैं, उससे भी वेरियस टाइप ऑफ डिजीज हो जाती है. तो उसको क्या करने के लिए, बैलेंसिंग के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम. तो यहाँ पर जनरली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही क्या रहता है, कंसीडर किया जाता है. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत रेयरली केसेस में क्या होता है, कंसीडर किया जाता है. क्लियर, जितने भी हार्मोन है सभी में क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही कंसीडर किया जाता है. क्लियर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, उसको मैं एज अ डेफिनेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं. तो देखो, जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया जब क्या होगा, हमारे बॉडी में जब हार्मोन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है या राइज हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिमम लेवल तक जब उसका सीक्रेशन हो जाता है तो उसकी क्या होती है, उसको स्टॉप करने की, यानी कि सीक्रेशन को स्टॉप करने की रिक्वायरमेंट होती है. और इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है. और ये जो है किसके थ्रू होगा, जनरली जो ये मैकेनिज्म कंट्रोल होता है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. क्लियर, तो यहाँ हम डिस्कस करें कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है. तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जहाँ क्या होती है, वेरियस सब्सटेंस जो प्रेजेंट है उनके लेवल को क्या किया जाता है, प्रमोट और इनहिबिट किया जा सकता है. क्लियर, नेक्स्ट देखो आप, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. ओके, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, जब क्या होगा, हमारी बॉडी में किसी भी हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में उसको हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, स्लो करने के लिए जो मैकेनिज्म कंसीडर किया जाता है वो कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब हम इसको जो है एज एग्जांपल कंसीडर करेंगे. सपोज दैट कोई जो बेबी है या चिल्ड्रन है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट उसकी बॉडी में, यानी कि ग्लूकोज उसकी बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो जब उसमें ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में इंसुलिन हार्मोन जो है वो उसका क्या होगा, सिक्रीशन होगा. और उसका सिक्रीशन होगा तो जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो उस कंडीशन में इंसुलिन का सिक्रीशन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगेगा. तो उसको स्टॉप करना क्या क्या होगा, फिर कंटिन्यूसली वो सीक्रेट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिजीज हो सकती है हाइपर सिक्रीशन से. तो फिर उसको स्टॉप करना, यानी कि उसकी रेट को स्लो करना है, स्टॉप करने की क्या हो जाएगी, रिक्वायरमेंट होगी. तो मैकेनिज्म हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं. तो देखो, जब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड मील की फॉर्म में जब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लिया जाएगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. उस कंडीशन पर क्या होगा कि जो इस पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स होंगी, बीटा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स है उनके थ्रू किसका सिक्रीशन होगा, फिर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा. ये इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, उस ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है, स्टोर करवा देता है. और वो क्या होगा, रेस्पायरेशन के थ्रू उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाता है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन जो है वो हो गया सिक्रीट. अब इंसुलिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा क्या करने के लिए, ग्लूकोज
ग्लूकोज को सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि वो ग्लूकोज को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। तो स्टोर हो गया ग्लूकोज, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और धीरे धीरे फिर वो इंसुलिन का सिक्रीशन वहाँ पर कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो फॉल हो जाएगा ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल। ठीक है, तो ये इस तरह से नेगेटिव मैकेनिज्म जो है यहाँ पर हमने कंसीडर किया उसको, और उससे हमने डिस्कस किया कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो जनरली देखने को नहीं मिलता है, ये जो है बहुत रेयरली है, और ये एक डिफरेंट टाइप का इसमें जो है कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोल होता है। इसमें जो हार्मोन होता है वो खुद ही अपना प्रोडक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, वो अपना प्रोडक्शन क्या करेगा, खुद ही इंक्रीज कर लेता है। इसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि जब क्या होने वाला होता है, जब बेबी की बर्थ होने वाली होती है, तो उस टाइम पर पिट्यूटरी से जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि क्या होगा, जो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और लेबर पेन की जो है सिचुएशन क्रिएट होती है फीमेल्स में। ओके, तो उस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हार्मोन जो है उसके सिक्रीशन को वो खुद ही क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, तो ये वाला जो, यानी कि यहाँ आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो खुद ही अपनी सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, यानी कि ये स्टिमुलाई जो है स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन को, किसके, ऑक्सीटोसिन के। क्लियर, तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है, और कब चलता रहता है, चाइल्ड के बर्थ के टाइम पर। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो है ये एनिमल में जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट था हमारा, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो देखो, प्लांट्स में जनरली कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, तो देखो जनरली प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन तो प्रेजेंट होते ही नहीं है, है ना। यहाँ हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या है, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जनरली किसकी है, एनिमल्स की। तो इसीलिए प्लांट्स में जनरली नर्वस सिस्टम या कोऑर्डिनेशन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्लांट्स में भी नर्वस सिस्टम या कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब वो कोऑर्डिनेशन किस तरह से होगा, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है छुईमुई का जो प्लांट होता है। इस प्लांट का नाम क्या है, टचमीनोट प्लांट, है ना। इसका नाम क्या है, टचमीनोट प्लांट, और इसका बॉटनिकल जो नेम है वो है माइमोसा प्यूडिका। इसका जो बॉटनिकल नाम है वो क्या है, माइमोसा प्यूडिका। इस प्लांट को जब भी टच किया जाता है, तो इस टच करने पर ये बहुत फास्टली, यानी कि क्विकली क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है। और क्विकली रेस्पॉन्स क्या देता है, ये इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं। कैसी हो जाती है, इसकी लीव्स जल्दी से कर्ल हो जाती हैं, ठीक है, या क्लोज हो जाती हैं। तो ये जो है क्या है, एक तरह का ये रेस्पॉन्स दे रहा है, हमने उसको स्टिमुलाई दिया तो उसने अपोजिट रेस्पॉन्स दिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा क्विकली ही क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होता है, है ना। क्या होता है, रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होगा, बट जनरली जो ऐसे प्लांट है जिनमें टच करने पर क्या होगा, क्विकली रेस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पर
प्लांट की ग्रोथ के लिए भी हम क्या करते हैं, उनके लिए जो है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो भी तो एक नर्वस सिस्टम की वजह से हो रही है, उनमें उनका भी तो कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए वो क्या कर पा रहे हैं, ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो प्लांट की ग्रोथ और इनहिबिशन के लिए भी क्या होते हैं, उनमें हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स की, जब प्लांट छोटे होते हैं तो वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, मैंगो का आपने प्लांट देखा होगा कि वो छोटा होता है फिर धीरे 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 वो बढ़ता जाता है, बट ऐसा तो नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है या हमेशा ही बढ़ता रहेगा, कुछ टाइम तक बढ़ने के बाद उसकी जो है ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज उनमें भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो हम यहाँ पर प्लांट ग्रोथ के जो हार्मोन है यानी कि प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों कंसिडर करेंगे। अब प्लांट की ग्रोथ के लिए जो प्रोमोटर होते हैं वो तो कौन कौन से, 3 हार्मोन होते हैं इसमें। ओके, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एलास्टिसाइड। ये तो होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर। और दूसरे जो होंगे हार्मोन जो सिक्रीशन होता है जिनका, वो होंगे इनहिबिटर। इनहिबिटर कौन कौन से हैं, 2 इनहिबिटर होते हैं, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ओके, ये 2 जो है क्या होते हैं, इनहिबिटर। अब हम क्या करेंगे, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, इन सिंगल सिंगल हार्मोन को हम इनके फंक्शंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, जो है यहाँ कौन है, तो देखो ऑक्सिन जो हार्मोन होता है इसका क्या, इसके क्या फंक्शंस है, तो ये प्रमोट करता है प्लांट की ग्रोथ को, और ये एपिकल जो डोमिनेंस है यानी कि जो एपिकल बर्ड और लीव्स होती हैं उनकी ग्रोथ के को प्रमोट करेगा, प्लांट की लेंथ को प्रमोट करता है यानी कि उसकी लेंथ की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो हार्मोन है वो फ्रूट एंड लीफ को जो है लीफ और फ्रूट के ग्रोथ के लिए भी क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। फ्रूट की फॉलिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फ्रूट की फॉलिंग को फॉल होने से बचाता है, और प्रोटेक्ट करने का वर्क भी ऑक्सिन के थ्रू किया जाता है। वेरियस जो विडिसाइड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इसके थ्रू, ऑक्सिन के थ्रू। तो इसके क्या है, बहुत सारे फंक्शन हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, एक ग्रोथ प्रमोटर हो गया, यानी कि ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है प्लांट की। क्लियर। नेक्स्ट जो हार्मोन है सेकंड, वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो जिब्रेलिन जो होता है जनरली ये क्या करता है, स्टेम एनलार्जिंग हार्मोन होता है। तो जितने भी ड्वार्फ प्लांट है उनकी नॉर्मल हाइट को मेंटेन करने के लिए जिब्रेलिन का क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। जिब्रेलिन जो है वो फ्रूट लीफ एंड जो स्टेम है उसकी साइज को एनलार्ज करने के लिए यानी कि उसकी उनकी साइज को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। पार्थेनोकार्पी की प्रोसेस के लिए जिब्रेलिन एक रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ये न्यूट्रलाइज करता है जो ग्रोथ हार्मोन होता है प्रमोटर जो है। ओके, एब्सिसिक एसिड उसको उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर। तो जिब्रेलिन के क्या हो गई है, फंक्शंस हो गए या उसके यूज हो गए। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन।
तो देखो जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये जनरली सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और डिफरेंशिएशन को प्रमोट कर सॉरी डी डिफरेंशिएशन को भी क्या करता है ये प्रमोट करता है सेल्स के डिफरेंशिएशन को। नेक्स्ट देखो फिर ये जो सीड और बड की डोरमेंसी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ब्रेक करता है। ओके सीड एंड बड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इसके अलावा ये जो है एजिंग को डिले करता है यानी कि एजिंग को रोक देता है। नेक्स्ट देखो फिर जो जिब्रेलिन के फंक्शन से अधिकतर इसके फंक्शन भी सेम ही है। ओके प्लांट फ्रूट एंड इनके साइज को इंक्रीज करता है। ओके नेक्स्ट देखो आप ये तो हमने प्लांट ग्रोथ जो प्रमोटर थे वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इनहिबिटर्स। तो देखो इनहिबिटर क्या होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे इनहिबिट करेंगे यानी कि स्टॉप करेंगे। यहाँ हम इसका जो फर्स्ट इसका वो है एग्जांपल वो है एब्सिसिक एसिड एबीए। एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करता है प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। सेकंड देखो फिर इसका एग्जांपल ये डोरमेंसी जो सीड एंड बड की डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये इसका जो है ये फ्रूट एंड फ्लावर लीफ जब क्या फ्रूट फ्लावर लीफ इनको की जो है इनके फॉलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि इनके विलगन के लिए फॉलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा विल्टिंग के को क्या करता है प्रमोट करता है। विल्टिंग को क्या करेगा प्रमोट करेगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे इसके फंक्शन हो गए। नेक्स्ट जो इसमें लास्ट हमारा जो इनहिबिटर है वो है इथाइलिन। तो इथाइलिन जो है ये कैसा वो है वोलेटाइल है एंड गैसियस हार्मोन होता है। इथाइलिन हार्मोन क्या करता है फ्रूट की राइपनिंग के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन कैसा है ये जो है फ्रूट और लीव्स जो है उनकी एब्सेंस एब्सिशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ये सीड डोरमेंसी और जो बड है उनकी डोरमेंसी को ब्रेक करता है ये हार्मोन। ओके और इस हार्मोन ये जो है सेक्स मॉडिफिकेशन का वर्क भी इसके थ्रू किया जा सकता है। ओके तो ये हमने डिस्कस किए क्या जो प्रमोटर और इनहिबिटर थे वो। नेक्स्ट है लास्ट इसका जो टॉपिक है वो है मूवमेंट इन प्लांट। तो देखो जनरली जो है प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है मूवमेंट भी देखने को मिलता है। तो ये मूवमेंट क्या जनरली वो क्या होते हैं ऐसे तो नहीं है कि हमारी तरह मूवमेंट कर पाते हो वो एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं लेकिन फिर भी उनके थ्रू क्या होते हैं कुछ टाइप वेरियस टाइप के मूवमेंट शो किए जाते हैं जो कि हम यहाँ पर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके कौन सा मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं देखो ये किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होने वाले मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट में हम उन मूवमेंट को कंसीडर करेंगे जो कि किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होंगे और इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है फाइव पार्ट में। ए इज फर्स्ट या ए इज फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक क्या होता है प्लांट का मूवमेंट होता है अभी जिसमें क्या होगा दिस मूवमेंट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट इन प्लांट रिस्पॉन्स टू फोटो ट्रोप यानी कि सनलाइट। तो इसमें क्या होगा प्लांट का ये मूवमेंट ऐसे पार्ट के थ्रू होगा जो क्या होगा लाइट के लिए रेस्पॉन्स लाइट के तरफ रेस्पॉन्स शो करेगा। ओके उसको हम क्या कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म किसके थ्रू शो किया जाता है तो जनरली जो स्टेम है उसकी ग्रोथ होती है। ओके तो स्टेम जो है वो कैसा होता है फोटोट्रॉपिज्म होता है या हम ये बोल सकते हैं
स्टैम्प को फोटोट्रॉपिज्म हम ना बोल करके फोटोट्रॉपिज्म हम किसे बोल सकते हैं, सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या करता है, सन जहाँ जिस डायरेक्शन से सर सन जहाँ डायरेक्शन सन की होती है उस डायरेक्शन में ही वो क्या करता है, मूव कर जाता है। तो फोटोट्रॉपिज्म क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो बी जियोट्रॉपिज्म। क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द पार्ट विच रिस्पॉन्स टू द जियो ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के तरफ क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट होगा, यानी कि ग्रेविटी के थ्रू ग्रेविटी में ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही मूवमेंट अगर शो करता है प्लांट का कोई पार्ट तो वो क्या कहलाएगा, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म जनरली जो है रूट्स के थ्रू शो किया जाता है। ओके तो जियोट्रॉपिज्म क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सी एस हीमोट्रॉपिज्म में क्या होगा, प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं लाइक पॉलन ग्रेन जो है या सॉरी पॉलन ग्रेन जो है वो क्या होते हैं, किसी उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जाते हैं, बिकॉज उनके बीच में क्या होता है, केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उनका सिक्रीशन रहता है। ओके तो उसकी स्मेल और उसकी जो स्मेल होती है और उसका जो केमिकल होते हैं उनकी तरफ क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। ओके तो वो केमिकल उन्हें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा मूवमेंट क्या कहलाएगा, कीमोट्रॉपिज्म कहलाएगा, जो कि पॉलन ग्रेन के थ्रू क्या किया जाता है, शो किया जाता है। नेक्स्ट है फिर फोर्थ या डी हाइड्रो ट्रॉपिज। तो हाइड्रोट्रॉपिज में क्या होगा, देखो रूट्स जो होती हैं वो जनरली हाइड्रोट्रॉपिज में भी शो करती है, बिकॉज रूट क्या करती हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगी। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है तो वाटर जहाँ पर होता है उस डायरेक्शन में रूट्स को क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, तो वहां पर हाइड्रोट्रॉपिज में क्या होती है, शो होती है। लास्ट है टी थिग्मो ट्रॉपिज। तो थिग्मोट्रॉपिज में क्या है, जब प्लांट का मूवमेंट, प्लांट का ऐसा पार्ट जो मूवमेंट करता हो किससे, जब कोई टच, जब वो प्लांट किसी ऑब्जेक्ट के टच में आता है या सपोर्ट के टच में आया है तो वो उसका मूवमेंट क्या कहलाता है, थिग्मोट्रॉपिज्म, जो कि जनरली पी प्लांट्स में जो प्रेजेंट होती है लीफ टेंड्रिल्स, वो क्या करती है किसी भी सपोर्ट पर जो है क्या होती है, राउंड हो जाती है, तो वो मूवमेंट क्या होगा, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये तो हमने डिस्कस किया ट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट है बी या सेकंड जो है वो है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में टच करने पर ये मूवमेंट कैसा होगा, इसमें जो भी प्लांट का पार्ट होगा वो फास्टली या क्विकली क्या करता है, मूवमेंट करता है, और इसमें जो है डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, यानी कि ये कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होगा। इसमें जो है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है, छुई मुई जो माइमोसा प्यूटी का जो प्लांट है उसमें ये वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज उसे टच करने पर वो क्या हो जाता है, उसकी जो लीव्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं, और वो मूवमेंट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा क्विकली होता है। ओके तो ये हमने चैप्टर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यहाँ डिस्कस किया है। ओके अब हम इसके क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स हमने ये क्या डिस्कस किया है, ये चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल एंड प्लांट्स में किस तरह से होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के रिगार्डिंग या इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीन वर डिस्कवर बाय, ऑप्शंस आर ए थीमान, ऑप्शन बी इज वेन, ऑप्शन सी इज स्कूल, एंड
एग्जाम्पल डी इज 11. ओके, सो ये साइंटिस्ट के नेम है जो आपको गिवन है. तो यहाँ देखो, जो ऑक्सीजन है उसको फर्स्ट जो डिस्कवर किया था या सबसे पहले जो देखा था वो देखा था वेंट ने. ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी वेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़िप्रेलिन बर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम. तो ऑप्शंस आर ए इज एल्गी, बी इज बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इज फंगस. सो देखो, फर्स्टली जो ज़िप्रेलिन हार्मोन है ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होता है. ओके, और इसको जो है फर्स्टली आइसोलेटेड किया गया था फंगस से. ओके, किससे आइसोलेट किया गया था, फंगस से. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when dipping. Options are A cytokinin, option B is adrenaline, C is zebraline, zebraline. ओके, सो देखो यहाँ कट लीव्स जो है उनको जो है रिमेन ग्रीन एंड लॉन्गर टाइम. तो ये जो है किस हार्मोन के थ्रू इसको जो है किया जाता है, तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो इसके का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा. बिकॉज साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, एजिंग को स्टॉप कर देता है या रोक देता है. ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ हमारा, साइटोकाइनिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म बाय. ऑप्शंस आर ए रिसेप्टर, ब्रेन, मसल्स. ऑप्शन बी इज मसल्स, मसल्स स्पाइनल कॉर्ड आर रिसेप्टर. Option C is receptor. Spinal cord. Muscles. Option D is muscles. Brain. में मैंने बताया था कि फर्स्टली क्या होता है, रिसेप्टर्स के थ्रू तो क्या किया जाता है, जो भी मैसेज एंड इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, रिसीव किया जाता है, और फिर उन्हें जो है मसल, लास्ट में मसल या आर्म्स जो है
तक क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ हमें इसका जो है रिफ्लेक्स आर्क का जो ऑर्डर है वो हमें बताना है कि रिफ्लेक्स आर्क कैसे जो है उसका पांचवे रहता है। ओके सो इसके लिए देखो क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बिकॉज रिसेप्टर्स जो है वो स्पाइनल रिसीव करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं, देन स्पाइनल कॉर्ड से मसल में क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड किए जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्स सेक्शन इज कंट्रोल बाय ए इज स्पाइन, ऑप्शन बी इज पेरिफेरल नर्वस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी इज ब्रेन। ओके सो देखो यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क जो है वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके थ्रू उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ओके सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड। ओके तो ये हमने क्या डिस्कस किए यहाँ पर, इसके क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके थैंक यू।